माता की, भारत माता की, बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की। जब इस धरती पर आया हूं तो माता चंडी, बाबा मरदेव, बाबा महादेव, हनुमान जी महाराज और मुक्तागिरी जैसे तीर्थ क्षेत्रों को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। मैं मूलतः पार्टी के संगठन का कार्य करता रहा हूं। कितना ही बड़ा नेता क्यों आता हो, लेकिन सुबह 11 बजे चुनाव की सभा करना लोहे के चने चबाने जैसा काम होता है। लेकिन आपने जो कमाल किया है, मैं देख रहा हूं वहां ऊपर तक कुछ पीछे लोग दिख रहे, पता नहीं उनको सुनाई देता होगा नहीं देता होगा। ऐसा प्यार, इतने आशीर्वाद, मैं जितना आपको नमन करूं उतना कम है। मैं कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं कि आप सुबह सुबह और इतने दूर सुदूर क्षेत्रों में, वो भी दिवाली के दूसरे तीसरे दिन, ये बहुत बड़ा कमाल का काम आप कर रहे हैं। आप सबको मेरा शत शत नमन। ये एक तरह से एमपी के चुनाव में मेरी जनसभाओं का आखिरी दौर है। कल शाम को प्रचार अभियान पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं कल भगवान बरसा मुंडा जी के जन्म स्थान पर हूं। कल उनका जन्म दिवस है और कल झारखंड का भी जन्म दिवस है, और इसलिए कल जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए मैं कल भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली को, उस मिट्टी को माथे पर चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। और इसलिए एक प्रकार से आज का दिवस इस चुनाव अभियान का मेरा मध्य प्रदेश का आखिरी दिवस है। और उस समय आपने ये कमाल करके दिखाया है, ये मेरे लिए यादगार दृश्य है जी। बीते दिनों मैं राज्य के कोने कोने में गया हूं। भाजपा के प्रति जो स्नेह है, जो विश्वास है, वो अभूतपूर्व है। आपके इस उत्साह ने, इस जोश ने मध्य प्रदेश में तय कर दिया है, फिर एक बार मध्य प्रदेश के मेरे भाई बहन, 17 नवंबर को इतिहास रचने के लिए घर से निकलेंगे। ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का। ये चुनाव है
नौजवानों को, महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देने का। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। आपको याद रखना है, कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है, और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। मेरे परिवारजनों, जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस नेताओं के दावों की पोल खुलती जा रही है। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। अब साधु महात्माओं के पास दोरे धागे के लिए जा रहे हैं, कुछ नसीब खुल जाए। और कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, आधे अधूरे मन से वो बेचारे जाते, अब क्या करें। कांग्रेस के कई लोग तो ठान करके घर बैठ गए हैं, उनका बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। हर कांग्रेस को लगता है किस मुंह से इन लोगों की बात करें। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। अब देखिए, ये कांग्रेस वाले छत पर चढ़ चढ़ करके चिल्ला रहे थे कि कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। कांग्रेस वाले ये भी कहते थे कि तीन तलाक के खिलाफ कानून तो बन ही नहीं सकता। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे। अरे करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है, ये नर्मदा का पानी पी करके बड़ा हुआ है। और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिखाते हैं ना, करके दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, हर वादा पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, और सीने के चोट पर डंके की चोट पर करते हैं कि नहीं करते हैं। कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे, झूठ बोलकर वोट पाए, लेकिन सड़क,
बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ऐसी सुविधाओं से आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखा। आप याद रखिएगा, कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। आपको याद होगा, पिछली बार कर्ज माफी का वायदा सरकार बनने के डेढ़ साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। आप हमारा कोई भी घोषणा पत्र देख लीजिए, क्या कभी भी हमने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति बनाएंगे? लिखा था कहीं? कहीं नहीं लिखा। लेकिन हमारे दिल में आपकी जगह है, और इसलिए जब मौका आया तो भाजपा आदिवासी गौरव को मान देती है, आपकी भावनाओं को समझती है, और इसलिए एक आदिवासी बेटी, गांव में पैदा हुई बेटी, गरीब परिवार में पैदा हुई बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है और देश का नेतृत्व कर रही है। ये भाजपा सरकार ही है जो देश भर में आदिवासी सेनानियों के, आदिवासी संस्कृति के भव्य स्मारक बना रही है। ये क्षेत्र सरदार गंजन सिंह कोरको और सरदार विष्णु सिंह गौंड की भूमि है। कांग्रेस ने कभी ऐसे वीरों को याद नहीं किया। कुछ दिन पहले जबलपुर में रानी दुर्गावती के शौर्य और गौंड संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले भव्य स्मारक का शिलान्यास करने का आप सबने मुझे सौभाग्य दिया है। और कल जैसा मैंने कहा, पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। और कल जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी समाज के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना भी केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। साथियों, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए भाजपा सबसे आगे बढ़कर काम करती है। मेरे गरीब भाई बहनों की चिंता को समझते हुए हमने मुफ्त राशन की योजना लागू की। आपको याद होगा, कोरोना के समय कितनी भयंकर स्थिति थी, मौत मंडरा रहा था, दुनिया भर से मौत की खबरें आती थी, परिवार में भी डर रहता था कि अगर बेटा बीमार है तो मां उसकी मदद नहीं कर सकती थी, मां बीमार है तो बेटा उसकी मदद नहीं करती थी। ऐसा संकट पूरी दुनिया ने झेला, हम भी उन मुसीबतों को झेलते थे। घर से बाहर निकलना मौत को बुलावा बन गया था। तब गरीबी से निकला हुआ मोदी
चैन से बैठ नहीं सकता है। मेरे देशवासियों को मैं उनके नसीब पे छोड़ नहीं सकता। परमात्मा ने मुझे शक्ति दी, समझ दी, उस काम को करने में मैं अपनी पूरी शक्ति खपा देता हूं। और तब जाकर के मैंने निर्णय किया था, कुछ भी हो जाए, किसी के भी घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। गरीब के संतान भूखे सोने नहीं चाहिए। किसी भी मां की आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैंने सरकार के अन्न के भंडार खोल दिए, मुफ्त राशन पहुंचाया, घर घर पहुंचाया। आज भी चालू है मुफ्त राशन, आज भी मुफ्त राशन मिल रहा है। और ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी होने वाली है। लेकिन मोदी ने तय किया है कि दिसंबर तक भले पूरी होती होगी, लेकिन मेरा संकल्प है, मेरा निश्चय है, इस मुफ्त राशन की योजना को 5 साल और बढ़ा दिया जाएगा। मुझे बताइए, हमारे घर के पास कोई गरीब आ जाए, पड़ोस में कोई गरीब हो, हम उसको रोटी खिलाएं तो संतोष होता है कि नहीं होता है? किसी गरीब को कुछ दे तो संतोष होता है कि नहीं होता है? माताएं बहनें बताइए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर ऐसा सेवा का काम करे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? मुझे बताइए, मोदी 2 साल से ये पुण्य का काम कर रहा है और अब आगे 5 साल के लिए भी ये पुण्य का काम जारी रहेगा। मुझे बताइए, ये पुण्य किसको मिलेगा? जरा जल्दी जोर से बताइए, ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वोट दे करके मोदी को बिठाया और इसलिए पुण्य का काम हुआ और इसलिए ये पुण्य के सच्चे हकदार आप हैं। ये पुण्य आपने किया है, मोदी तो निमित्त है। आप मुझे बताइए, गरीब के पास पक्का घर हो, गरीब के घर में भी शौचालय हो, घर में गैस की सुविधा हो, बिजली भी आती हो, पानी का नल हो और नल में जल हो, कौन परिवार होगा जो ये नहीं चाहता होगा? हर कोई ये चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है कि नहीं चाहता है? और क्या मोदी के आने के बाद ही लोगों के मन में इच्छा जगी क्या? पहले भी चाहता था कि नहीं चाहता था? चाहता था कि नहीं चाहता था? लेकिन पहले वाले सोए पड़े थे, ये गरीब की मां का बेटा जो गरीब की जिंदगी जी करके आया था, वो उसने तय किया गरीब की आवश्यकताएं क्या होती है, उसको मैं पूरा करूंगा और मैं कर रहा हूं। गरीब की सेवा का एक काम मोदी पूरे समर्पण भाव से कर रहा है। आज भाजपा सरकार आपका हक समझकर
ये सुविधाएं दे रही है। जब ऐसे काम होते हैं तभी देश को भरोसा होता है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मध्य प्रदेश भाजपा ने हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। मैं मध्य प्रदेश भाजपा के नेतृत्व को बधाई देता हूं। ये संकल्प पत्र मध्य प्रदेश के लोगों का विकास पत्र है। हर आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक में एकलव्य आदिवासीय आवासीय विद्यालय, हर आदिवासी जिले में एक मेडिकल कॉलेज, लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ साथ पक्के आवास, धान और गेहूं किसानों के एमएसपी के लिए भी एमपी भाजपा की गारंटी की वाहवाही हो रही है, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। वन उपजों को लेकर, तेंदुपत्ता की खरीद को लेकर जो संकल्प लिया गया है उससे भी बहुत सारे आदिवासी परिवार को लाभ होगा। कांग्रेस तो अपने जमाने में, आज जो भाषण झाड़ते हैं ना नेता उनके आकर के, उनको उनके अपने पापों की भी याद नहीं है। कांग्रेस तो सिर्फ, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के, 6 या 7 वन उपजों पर ही एमएसपी देती थी। जरा बोलेंगे कितने, कितनी वन उपज को एमएसपी देती थी, कितनी, सब बोलिए जरा, कितने, 6 या 7, कितने? जबकि भाजपा वन उपज, कितनी वन उपज को एमएसपी देती है मालूम है आपको? 90 वन उपज को ये भाजपा एमएसपी देती है। कितने, कितने? साथियों, हमारे देश में करीब 2.5 करोड़ ऐसे छोटे किसान हैं जो मोटा अनाज उगाते हैं। मोटा अनाज उगाने वाले ऐसे करोड़ों छोटे किसानों के बारे में पहली बार भाजपा ने ही सोचा है। हमने मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान दी है। भाजपा का प्रयास है श्री अन्न को पूरी दुनिया को बाजार में ले जाना है। आपको मालूम होगा, मैं अमेरिका गया था, व्हाइट हाउस में जो खाना परोसा गया ना, वो भी मोटे अनाज से बना हुआ था। अभी G20 में दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर आए थे, सबको भी मेरे छोटे छोटे किसान जो खेती करते हैं ना, वो मोटा अनाज खिलाया था, ताकि पूरी दुनिया में ये मेरा मोटा अनाज पहुंचे। वो श्री अन्न है, सुपर फूड है। अब 5-स्टार होटल में भी लिखते हैं सुपर फूड ये मिलेगा। ये काम मोदी करता है। हमारे मक्का किसानों को बेहतर कीमत मिले इसके लिए आज मक्के का निर्यात भी हो रहा है, रिकॉर्ड निर्यात हो रहा है, दुनिया के देशों में जा रहा है। भाजपा पूरे देश में इथेनॉल प्लांट भी लगा रही है। मक्के में से इथेनॉल बनाना, जिससे गाड़ी चलती है, पेट्रोल से जैसे गाड़ी चलती है ना, मक्के से बने इथेनॉल से चलाते हैं अब, और उसके कारण
किसानों को भी मक्के का ज्यादा पैसा मिलना शुरू हुआ है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश पे कांग्रेस की हार निश्चित देख उसके नेताओं पर एक और साइड इफेक्ट हुआ है। हार तय देख कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। मैं एमपी के सरकारी कर्मचारी अधिकारी से कहूंगा कि कांग्रेस की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से अपना काम करते रहें। एमपी में आज भी भाजपा है, 3 दिसंबर के नतीजों के बाद भी भाजपा सरकार ही है। कांग्रेस के धमकीबाज नेताओं की तो खुद उनका तो हाल ये है, धमकियां तो देते फिरते हैं लेकिन उनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। इनके तो भ्रष्टाचार के पाप ही इतने हैं कि उनको चिंता रहती है। 2 कांग्रेस वाले चर्चा कर रहे थे, वो कहते हैं यार इस चुनाव में लक काम करेगा कि नहीं करेगा, लक की चर्चा करते। तो दूसरे कांग्रेस ने कहा अरे लक को मारी गोली, ये मोदी कहीं लॉकर खोल देगा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज ये सब जो चोराट कंपनियां हैं ना, उनको डर है कि मोदी कहीं लॉकर न खोल दे और हमारे लक को ही ताला न लगा दे। इसलिए कांग्रेस के इन भ्रष्ट नेताओं की धमकियों की परवाह मत कीजिए। मेरे परिवारजनों, 2014 में आपने मुझे देश की सेवा के लिए दिल्ली भेजा था। उसके बाद साल दर साल हर रोज कांग्रेस की नफरत दिनों दिन पारा चढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं, जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। और ये मोदी को गालियां क्यों देते हैं, ये मोदी को नफरत क्यों करते हैं, ये मोदी को बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी ने इन लोगों के भ्रष्टाचार पर, बड़े बड़े घोटालों पर रोक लगा दी, उनकी कटकी बंद हो गई, मलाई मिलती नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके रहते उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 100 पैसा निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। वो कौन सा पंजा था जो 100 रुपये को घिसता था और 15 पैसा हो जाता था? वो कौन सा पंजा रुपये मारता था? लेकिन भाजपा सरकार अगर आपके लिए 100 रुपये भेजती है तो पूरे के पूरे आपके बैंक खाते में जमा हो जाते हैं।
आज 100% असली हकदार को मिलता है। हर लाभार्थी के फोन पर तुरंत मैसेज आ जाता है कि पैसा मिल गया, पक्के आवास का पैसा सीधे बैंक खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 12,000 रुपया सीधे बैंक खाते में, किसान की फसल का पैसा सीधा बैंक खाते में, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, दलित आदिवासी युवाओं की स्कॉलरशिप, गैस की सब्सिडी, सब कुछ सीधे बैंक खाते में आता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई जेब भर सकता नहीं, कोई आपका जेब काट सकता नहीं। तो फिर मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे, गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, जो लोग आज तक काली कमाई करते थे, लूटते थे, उनके ऊपर मुझे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप मुझे पूरी ताकत से आशीर्वाद दीजिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जिन्होंने लूटा है वो उन्होंने लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? जिन्होंने जनता से धोखा किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या ये काम मोदी करता है तो सही करता है? ये काम मोदी करता है तो सही करता है? अगर ये मोदी काम करता है, क्या मेरे लिए करता हूं कि आपके लिए करता हूं? मोदी के लिए करता हूं कि आपके लिए करता हूं? भाइयों बहनों, मैं आपके भविष्य की भी चिंता करता हूं और आपके बच्चों के भविष्य की चिंता भी मैं करने के लिए बैठा हूं। मेरे परिजनों, मैं अक्सर कहता हूं कि कांग्रेस अब सातवें आसमान पर उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, उसे जमीन पर गरीब दिखाई देते ही नहीं है और न ही वो जमीनी सच्चाई जानते हैं। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। चुनाव के समय जिन्हें मेक इन इंडिया की बात याद आती हो, वो स्वदेशी के महत्व को कभी समझ ही नहीं सकते। आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। त्योहारों के अवसर पर भारत में बने उत्पाद, भारतीयों के बनाए उत्पाद खरीद रहा है। इस दिवाली तो रिकॉर्ड कर दिया है। जो इस विषय के जानकार लोग हैं, व्यापारी समूह के लोग हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट किया दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली में 4.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदी
देशवासियों ने की और देश में बनी चीजों की। ये पैसा देशवासियों की जेब में गया। और कहते हैं पहले अगर इतना खर्चा होता था तो 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का माल तो बाहर का होता था, इस बार सारा माल हिंदुस्तान का खरीदा गया। लेकिन क्या कांग्रेस के किसी भी नेता ने, अब मुझे बताइए, भारत में बनी चीज बिकनी चाहिए, इससे आप सहमत है कि नहीं है? हमारे देश का माल ही बिकना चाहिए, सहमत है कि नहीं है? क्या कांग्रेस के लोगों को ये बोलने में क्यों शर्म आती है भाई? क्यों शर्म आती है? उनके पेट में क्या दर्द होता है? क्या उनका विदेशों से कोई ऐसी सांठ गांठ है कि विदेश का माल ही लाना चाहिए? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने एक बार भी लोकल के लिए वोकल होने की बात नहीं की है, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। साथियों, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है तब से आत्मनिर्भर भारत अभियान हर भारतीय का संकल्प बन चुका है। भाजपा सरकार बैतूल के गुड़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत बढ़ावा दे रही है। गुड़ क्लस्टर बनने से भी यहां अनेक नए रोजगार बनेंगे। बैतूल सहित एमपी के अनेक आदिवासी क्षेत्रों में फर्नीचर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत संभावनाएं हैं। बैतूल जिले में वुडन क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर भी विकसित किया जा रहा है। इससे सैकड़ों छोटे छोटे उद्योग विकसित होंगे, हजारों नए रोजगार यहीं पर सृजित होंगे। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इससे फर्नीचर के काम से जुटे हैं हमारे बड़ाई राजमिस्त्री से अनेक कारीगरों को लाखों रुपए की मदद भाजपा सरकार देगी। भाजपा की डबल इंजीनियर सरकार यहां आधुनिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी। यहां मेलघाट टाइगर रिजर्व है, आदिवासी कला संस्कृति का खजाना है। गौड़ राजवंश के प्रतीक सिंगोरगढ़, मदन महल और रामनगर के गढ़ों के संरक्षण का काम भी तेजी से हो रहा है। मेरे परिवारजनों, मतदान के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। मध्य प्रदेश का हर भाजपा कार्यकर्ता, हर नेता बीते अनेक महीनों से निरंतर डटा हुआ है। मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की प्रशंसा करता हूं। आपको कोई भी बूथ पीछे नहीं रहना चाहिए, हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए, हर बूथ पर विजयी होना है। और इस बार तो हम एमपी में एक और नजारा देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं हर बूथ पर हमारी माताएं बहनें जो मेहनत कर रही है, कमल का फूल के लिए मेरी माताएं बहनें जो काम कर रही है, मैं उनका विशेष प्रणाम करता हूं, विशेष आदर करता हूं। जब बहनों का इतना आशीर्वाद है तब प्रचंड विजय सुनिश्चित हो जाता है। भाइयों बहनों, आप घर घर जाएंगे, आप घर घर जाएंगे, मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूं। आप घर घर जाएंगे, भाजपा की बात बताएंगे? ऐसा तो नहीं होगा इतनी बड़ी सभा हो गई, मोदी जी भी इतने खुश हो गए, अरे यार चलो आप बहुत काम कर लिया, 2 दिन सो जाओ, अब 17 तारीख को जाएंगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना? जाना काम करोगे ना? एक एक मिनट खपा दोगे ना? हर जगह पे कमल खिलाओगे ना? बूथ जीतने के लिए मेहनत करोगे ना? पक्का करोगे? अच्छा, चुनाव का काम करोगे? एक मेरा काम करोगे? एक मेरा काम करोगे? क्यों आवाज धीरी हो गई भाई? एक मेरा काम करोगे? ये चुनाव का नहीं है, मेरा निजी काम है, फिर भी करोगे? पक्का करोगे? अच्छा, तो मेरा एक काम करना, आप
घर घर जाना और कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, मेरे प्रणाम पहुंचाओगे, हर घर पहुंचाओगे, मेरे जब प्रणाम पहुंचाओगे ना तो हर घर से मुझे आशीर्वाद मिलेगा और जब हर परिवार का आशीर्वाद मिल जाता है ना तो मोदी को एक नई ऊर्जा मिल जाती है, एक नई ताकत मिल जाती है और आपकी सेवा करने के लिए दौड़ का काम पूरा सामर्थ्य बढ़ जाता है। और इसलिए हर घर जाकर के कहना मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।